हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ पोखरियाल आई वेलकम टू यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ एस जोन एकेडमी, तो हम आपके लिए यहां पे लेके आए हैं कोविड 19 स्पेशल कोर्स विच टारगेट यूके एंड अदर स्टेट लेवल जी एग्जामिनेशन तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट टारगेट होगा स्टेट लेवल के जितने भी जूनियर इंजीनियर के जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन है एंड इसके साथ साथ जो हम कोर्सेज आगे ले आएंगे उसका लॉन्चिंग भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तो आगे हम जो लेके आने वाले हैं एस एस जेई का कोर्स लेके आने वाले हैं बाकी टाइम के साथ जितने भी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन आएंगे उनके हम आपके लिए कोर्सेज लॉन्च करेंगे कर करते रहेंगे तो इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्लूड मैकेनिक्स और मैं कोर्स कंटेंट के बारे में आपको कुछ नॉलेज दे दूँ इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं लाइव क्लासेस लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर्स रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अब इसमें क्वेश्चन ये है कि कौन से लेक्चर्स लाइव होने वाले हैं कौन से लेक्चर्स रिकॉर्डेड होने वाले हैं तो जितनी भी फैकल्टीज यहाँ पे हैं सब अपने अपने सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली अपने अपने सब्जेक्ट में एक एनालिसिस करके ये देखेंगे कि किस टॉपिक में जैसे कि डेरीवेशन है लाइक like मैं आपको फ्लूट मैकेनिक्स पढ़ाने वाला हूँ तो जिस टॉपिक में आपको डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी जैसे बर्नोलिज इक्वेशन है कॉन्टीन क्वेश्चन है पासकल्स लॉ है हाइड्रोस्टेटिक लॉ है तो वहाँ पे तो आपको लाइव लेक्चर्स ही मिलने वाले हैं बाकी कुछ मेंस के टॉपिक जो हैं मेंस में जो फ्रीक्वेंटली आते हैं उसके तो आपको लाइव लेक्चर्स ही मिलने वाले हैं बट रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जैसे कि क्वेश्चन सीरीज ऑफ ईच चैप्टर हर एक चैप्टर की क्वेश्चन सीरीज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी एंड पी डी एफ नोट्स फॉर ईच एंड एवरी लेक्चर विल बी ऑल्सो प्रोवाइडेड और कुछ इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है राइट right? अच्छा इसमें अब सवाल यह है कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें कितने टेस्ट हमें मिलने वाले हैं तो इसके लिए मैं आपको बता दूं ऑनलाइन टेस्ट में सब्जेक्ट वाइज Subject wise, जो चैप्टर डिवाइडेशन होगा जैसे fluid mechanics में मैकेर आर इलेवन चैप्टर्स ठीक है इलेवन यूनिट्स जो है आपके पास उसके बाद सब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट में तीन से पांच तीन से पांच आपको मूक टेस्ट मिलने वाले हैं बोले तो जो सिविल वाले हैं उनके पूरे सब्जेक्ट का एक ही टेस्ट एक ही कॉमन टेस्ट जो मैकेनिकल वाले हैं उनके पूरे सिलेबस का एक ही टेस्ट तो तीन से पांच ग्रैंड टेस्ट भी आपको मिलने वाला है तो लमसम हम देखें फोर, फोर, एट, और देखेंटीन तो उन्नीस से लेके बीस टेस्ट ये आपको सिर्फ मैकेनिक्स में मिलने वाले हैं ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाकी जो ट्रेड वाइज सब्जेक्ट है थर्मल साइंस सिविल वाले की बात करें तो बीएमसी इरिगेशन इस तरह से हर एक में ऑन एन एवरेज चौदह से पंद्रह टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। अच्छा ये जो टेस्ट होंगे स्ट्रिक्टली हम इनको डिजाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसेंट एग्जाम पैटर्न जो रिसेंटली एग्जाम के पैटर्न में चेंज आ रहा है उनको ऑब्जर्व करते हुए हम यहाँ पे टेस्ट डिजाइन करने वाले हैं राइट आफ्टर दैट इसमें ये जो पीडीएफ वाला क्वेश्चन है पीडीएफ पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर जो भी लेक्चर्स लाइव होंगे जितना कंटेंट हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं उसी का पी डी आफ्टर द लेक्चर मिल जाएगा एंड जो भी लाइव लेक्चर्स हैं वो आपको ऐप में भी मिल जाएंगे आफ्टर और मिनट्स यू विल गेट लेक्चर्स इन ऐप जो लाइव लेक्चर्स हैं इसके बारे में एक और बात मैं बता दूं आपको कि ये लाइव लेक्चर्स यूट्यूब पे भी चलने वाले हैं मतलब एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों पे लाइव चलेंगे तो जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं वो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और गूगल प्ले स्टोर में ई एस जोन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिए ऐप का नाम है ई एस जोन में आपको फिर बार बता दू फिर एक बार बता ऐप नेम इज़ Academy और इसको आप डाउनलोड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर योर मोबाइल नंबर विल बी योर रजिस्ट्रेशन नंबर अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप रजिस्टर हो सकते हैं आपको एक ओ जनरेट होगा ओटीपी बाई डिफॉल्ट आपके फोन से ऐप में एंटर हो जाएगा खुद ब खुद तो इसका जो कोर्स लॉन्चिंग डेट है वो आज ही है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं तो मैं आशा करता हूं कि आज के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा पल स्टार्ट होने वाला है मतलब पढ़ाई से रिलेटेड मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही कह सकता हूं अभी यहाँ पर कि हर एग्ज़ाम में आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा तो इसमें अभी यूज डिस्काउंट भी चल रहा है डिस्काउंट पीरियड इज ट्वेंटी सिक्स जैन टू फिफ्थ ऑफ फेफ छब्बीस जनवरी से पाँच फरवरी तक डिस्काउंट पीरियड चलेगा और डिस्काउंट के लिए आपके पास कोड है रिपब्लिक ट्वेंटी टू तो मैं जो यहाँ पे सिलेबस से डील करने वाला हूँ दैट इज़ फ्लूड मैकेनिक्स तो एक बार मैं आपको सब्जेक्ट प्लानर से रूबरू करवा दूँ कि फ्लूड मैकेनिक्स में हम किस तरह से अपने सिलेबस को आगे बढ़ाने वाला है यूनिट नंबर वन यूनिट नंबर वन इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड एक बेसिक आइडिया हम आपको इसमें देंगे फ्लूड मैकेनिक्स एक्चुअल में है क्या हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सॉलिड मैकेनिक्स हमारे पास दो तरह के मटेरियल हैं। फ्लूड मैकेनिक्स कहती है सब्सटेंस जो है वो दो फेज में है एक है सॉलिड और दूसरा होगा फ्लूड फ्लूड में गैसेस एंड लिक्विड्स

वो शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा किस तरह से स्टैटिक डिफॉर्मेशन देखे मतलब स्टैटिक कंडीशन में अगर मटेरियल में डिफॉर्मेशन आती है तो अपना जो सिलेबस होता है वो होता है सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूड मैकेनिक्स में शेयर स्ट्रेस को रजिस्ट करने की प्रॉपर्टी नेग्लेजिबल होती है हम ये कहें कि लगभग नहीं होता है अगर हम थोड़ा सा भी शेयर स्ट्रेस अप्लाई करें एक फ्लूड के ऊपर तो वो डिफॉर्म होने लगता है डिफॉर्म होने का मेरा मतलब है उसमें मोशन आ जाता है फ्लूड विल बी इन मोशन अगर हमारे हाथ में एक चाय का कप है और मैं मैं हल्का हल्का इसको टिल्ट करूं, से मैं टिल्ट करूं, करूं, तो ये फ्लो करने लगता है इसी फ्लो को हम कहते हैं यहां पे डिफॉर्मेशन तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस में प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन मैकेनिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक होगा दैट स्टार्ट फ्रॉम डेंसिटी देन टाइप ऑफ डेंसिटीटिव डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी एक तरीका ही है कंपेयर करेंगे एक स्टैंडर्ड सबस्टेंस की डेंसिटी से किसी भी लिक्विड की या गैस की डेंसिटी को आफ्टर दैट स्पेसिफिक वे सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में हर एक ये एग्जाम में कहूँगा कि सरफेस टेंशन से होगा ठीक है वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर का एप्लीकेशन हम देखेंगे हाइड्रोलिक मशीन्स में जहां पर एक फिनोमिन होता है cavitation, cavitation और दूसरा आएगा तो इसमें हम देखेंगे सॉलिड में एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर रब करती है इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सॉलिड सरफेसेस ऐसे ही लिक्विड की लेयर्स के बीच में एक विस्कोसिटी होती है व्हेन

काइनेमेटिक्स जबकि डायनेमिक्स विस्कोसिटी की यूनिट आप देखें न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और इसी को हम कहते हैं पास्कल सेकेंड मतलब वो रजिस्टेंस या जब फ्लूड मोशन में है तो वो रजिस्टेंस जो तो पिक्चर में आता है उसको हम कहते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी इसका एक नाम आएगा एब्सोलूट विस्कोसिटी या सिंपली हम इसे विस्कोसिटी के नाम से भी जानते हैं आफ्टर दिस वी हैव कैपिलरी एक्शन मरकरी के केस में कैपिलरी फॉल किस तरह से होता है उसका मैकेनिज्म क्या है व्हाट इज द मैकेनिक्स ऑफ कैपिलरी राइज एंड फॉल ये हम कैपिलरी एक्शन में देखेंगे तो लमसम में प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस में बात करूं तो चार से पाँच घंटा चार से पाँच घंटे की जर्नी अपनी होगी प्रॉपर्टीज ऑफ सबिस्टेंस की प्रॉपर्टीज ऑफ सबिस्टेंस के बाद दूसरा यूनिट जो आता है हमारा अच्छा इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं रियोलॉजी वगैरह ये डिस्कस होती रहेंगी यूनिट्स में देन यूनिट नंबर टू इज प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट तो इसमें आपको बताया जाएगा सबसे पहले प्रेशर है क्या चीज नॉट केस ऑफ सॉलिड वी आर डीलिंग विद मैकेनिक्स ओनली तो लिक्विड्स के केस के में रीजन क्या है प्रेशर का तो पहले आपको गैस के केस में समझाया जाएगा व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ गैसेस मैं आपको थोड़ा सा रूबरू करवाऊ इससे फॉर केस ऑफ गैसेस व्हाट इज प्रेशर लाइट वी हैव अ कंटेनर अपने पास एक कंटेनर है

क्लासिकल हमें बताती है प्रेशर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अब ये फोर्स क्या चीज है फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ किसके मोमेंटम का चेंज फोर्स लेके आएगा इस दीवार पे ऑब्वियसली गैस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा किसमें है मोशन में है

क्रॉस सेक्शन के एरिया से डिवाइड कर लिया जाता है और वो आ जाता है प्रेशर इट मींस प्रेशर का जो मेन रीजन है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या हम कहें कोलिजन मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन है विद द वॉल दैट इज द कॉज ऑफ प्रेशर सेम यही फिनोमिनन लिक्विड में भी होता है इन लिक्विड कॉज ऑफ प्रेशर इज आल्सो कोलिजन बट उसको हम जैसे इसमें मैक्रोस्कोपिकली या माइक्रोस्कोपिकली दोनों तरह से हम इसको कर सकते हैं। कहते हैं, गैस की करना आसान होता है लगा के देखें तो उसमें हमें दिखेगा कि जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इस दीवार पे अगर इस कंटेनर में लिक्विड होता तो उस दीवार पे इस तरह से टक 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 इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं

एटमोसफिर प्रेशर से हम नीचे आते रहे आते रहे तो हम वैक्यूम की तरफ जा रहे हैं वी आर गोइंग द वैक्यूम या तो वहां पे मॉलिक्यूल्स सिंपल सी बात है होंगे ही नहीं या तो मॉलिक्यूल्स होंगे ही नहीं या तो मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होगा गैस पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो अब वेलोसिटी जीरो है तो कोलिजन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो आपको देख रहा था वो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा तो फोर्स विल बी जीरो सो प्रेशर इन दैट केस विल बी जीरो तो उसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे प्रेशर डायग्राम आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे एक बैरोमीटर कैसे काम करता है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बैरोमीटर की वर्किंग अगर बैरोमीटर की वर्किंग हमने सीख ली तो मैनोमीटर्स के लिए जो आगे बैलेंसिंग होगी वो हम इजीली कर पाएंगे एंड एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से होता ही होता है

ऑक्सीजन ठीक है ये दोनों दो गैसेस है तो ये दो इनके मोमेंटम में चेंज आ रहा है इनके मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो इस प्लेन सरफेस पे एक प्रेशर एग्जर्ट एक करेगा उस प्रेशर को अगर मैं इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं वी विल गेट फोर्स और उसी फोर्स को हम लिक्विड के, के केस में हाइड्रो हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस के वैसे जो मीनिंग होगा हाइड्रोम मतलब वॉटर वाटर जब रेस्ट की कंडीशन पे है हाइड्रोस्टेटिक वैन वॉटर इज एट

सरफेस ठीक इसका एक नाम और है टोटल प्रेशर तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है टोटल प्रेशर और रिजल्टेंट ऑफ फोर्स देन किसी भी तरह के फोर्स में तीन चीजें आती है एक तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है मैग्नीट्यूड इसमें निकाल दिया जाएगा रो रोजी एच बार इंटू ए वहां पे एच बार का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस अप टू द देंट्रॉइड एंड ए आप जानते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि कांटेक्ट में होगा लिक्विड के दूसरी चीज उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है तो पॉइंट ऑफ एक्शन विल बी सेंटर ऑफ प्रेशर इसके लिए फॉर्मूला जो लोग सिलेबस कर चुके हैं एक बार या कॉलेज टाइम की कुछ यादें हैं तो इसका जो सिंबल होता था वो होता था h स्टार एंड h स्टार इज इक्वल टू h बार प्लस आईजी sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय h बार ठीक है तो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने बोला h स्टार इज इक्वल टू h बार प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय h बार इसमें साइन स्क्वायर थीटा जो है मतलब वो इंक्लिनेशन को बता रहा होगा हमें तो डेरिवेशन सिर्फ एक करवाई जाएगी आपको फोर्स एग्जिटेड बाय लिक्विड ऑन इंक्लाइन सर्फेसिस और उसमें थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हुए हमें वर्टिकल के केस के लिए भी फोर्स मिल जाएगा हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए भी सेंटर ऑफ प्रेशर एंड फोर्स की वैल्यू मिल जाएंगे तो जैसे कि आप फोर्स की वैल्यू देखते हैं फोर्स इज रोजी एच बार इनटू ए तो इसमें तो कोई थीटा बीटा है नहीं इसका मतलब तीनों तरह की सरफेस के लिए जो कि प्लेन सरफेसेस है जो रखी गई है इंक्लाइन इंक्लाइन टू द फ्री सरफेस इस तरह से जो रखी गई है वर्टिकल टू द फ्री सरफेस और हॉरिजेंटल तीनों तरह के केस के लिए फोर्स की वैल्यू सेम ही आएगी बट उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है फोर्स एग्जर्ेटेड बाय लिक्विड्स ऑन कर्व्ड सरफेसेस इसमें जो हम डील करेंगे वो एक कर्व सरफेस जो कि लिक्विड के कांटेक्ट में होगी राइट वी हैव दिस कर्व सरफेस ये कर्व सरफेस एक सर्कल का क्वाड्रेंट भी हो सकती है ये एक पैराबोलिक शेप भी हो सकती है राइट right? तो इक्वेशन आपको दे दी जाएंगी कि इस कर्व सरफेस की मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो ये है आप इसमें अमाउंट ऑफ फोर्स निकालिए तो इस चीज के लिए आप देखेंगे अगर एक स्मॉल एरिया में यहाँ पे लू स्मॉल एरिया यहाँ पे लू और यहाँ पे मैं फ्री सरफेस को कंसिडर कर लो दैट दिस इज फ्री सरफेस तो इस स्मॉल एरिया की जो डिस्टेंस होगी फ्री सरफेस से सपोज़ ये है तो इस एरिया पे लगने वाला जो प्रेशर होगा नॉर्मल टू द सरफेस होगा राइट right? और उसका वैल्यू कितना होगा ये वैल्यू आपको निकालना सिखाया जा चुका होगा प्रेशर वाले चैप्टर में हाइड्रोस्टेटिक लॉ ठीक है हाइड्रोस्टेटिक लॉ से टू रोज तो जितना भी हाइट होगा उसका मैंने प्रेशर निकाल लिया रोजी एच ठीक है इस एलिमेंटल इस एलिमेंट का जो एरिया होगा उसको हम डीए कंसिडर कर लेते हैं तो ये लगने वाला इस एलिमेंट पे लगने वाला अमाउंट ऑफ फोर्स होगा जिसे कि हम डी एफ कहेंगे छोटे से एरिया के ऊपर छोटा सा अमाउंट ऑफ फोर्स अब पिछले जो डेरिवेशन मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरह से ये केस प्लेन सरफेस से डिफरेंट है

वो डिफरेंट होगा इसलिए मैं यहाँ पे 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 डायरेक्टली इसको नहीं कर सकता वेक्टर तो से सॉल्व किया जाएगा तो इस यहाँ पे हमें भी एक अपना करेंगे। जो कि किसके कॉम्पोनेंट होंगे इसी डीएफ के कॉम्पोनेट होंगे इसका, इसका मतलब डीएफ इन दोनों के बीच में कहीं होगा और हमने ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस से थीटा एंगल पे एज्यूम कर लिया उसके बाद मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा अलोंग एक्स आई विल इंटीग्रेट में ब्रेक करने के बाद आफ्टर दैट यू विल गेट द रिजल्ट इसके बाद हाइड्रोस्टैटिक में देखिए जो स्टार्टिंग के तीन चैप्टर हमारे पास है प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड यूनिट नंबर फोर इज एंड फ्लोटेशन इसमें हमें स्टैटिक की कंडीशन से डील करना है Means, will be at rest. पानी की बात करें तो पानी रेस्ट पे होगा ठीक है तो गैसेस तो रेस्ट पे नहीं होती हैं तो गैसेस की चर्चा यहाँ पे होगी भी नहीं गैसेस की जो प्रॉपर्टीज हमें फ्लू में, प्रुण में, में पढ़नी है वो चैप्टर नंबर वन में डिसाइड हो चुके होंगे थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस लाइक बल्क बल्क मॉडल ठीक है बल्क मॉडल बल्क मॉडल इनकेस ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बल्क मोडलस इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस या गैसेस की विस्कोसिटी पे टेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके बाद गैस का हमारे सिलेबस से ज्यादा लिंक नहीं होगा हम लिक्विड में ही बात कर रहे होंगे हमारी चर्चाएं होंगी वो लिक्विड में ही होंगी तो एंड फ्लोटेशन का पूरा जो टॉपिक है इट इज बेस्ड ऑन आर्कमिडीज प्रिंसिपल ये टोटली आर्कमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा आर्कमिडीज प्रिंसिपल या बायोट फोर्स बायो का मतलब, बायो का मतलब होता है टू मूव अप लिफ्ट कराने की टेंडेंसी तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करें पार्शियली या फुली तो लिक्विड हमेशा उस ऑब्जेक्ट पे उस बॉडी पे एक लिफ्टिंग फोर्स एग्जिट करता है और उसकी कैलकुलेशन हमें बताई थी आर्कमिडीज ने ग्रेटेस्ट मैन अराउंड 250 फिफ्टी बी सी उन्होंने हमें वो प्रिंसिपल बताया था एंड सेंटर ऑफ बायोसी फिर से वही बातें फोर्स में दो ही चीजें हैं मैग्नीट्यूड जिनसे हमें डील करना है मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तीसरी चीज एक और आ सकती है जो फोर्स में हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ दैट फोर्स फोर्स उस का किसी किसी बॉडी पे पे सरफेस इफेक्ट क्या आता है क्या उसके टर्निंग मोमेंट आते हैं क्या वो टॉर्क एग्जर्ट टॉर्क या टर्निंग मोमेंट एग्जर्ट कर सकती है तो वो हमें क्वेश्चंस में दिखेगा न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस

इनको पढ़ने के बाद हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेकल किस तरह से एक velocity vector की मदद से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं velocity का थ्री डी टू डी और वन डी तीनों में ही इनकी चर्चाएं होंगी लाइक वेलोसिटी इफ वी इज द वेलोसिटी वैक्टर तो इसके एक्स एक्सिस में कॉम्पोनेट देखेंगे वाई में कॉम्पोनेंट देखेंगे Z में तो आपको मैं हल्का सा इसका टच करा देता हूँ टॉपिक लाइक वेलोसिटी इज कैप प्लस वी जे कैप एक वैक्टर को लिखने का तरीका ही होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आई कैप जे कैप एंड के अलोंग एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स हमें बताती है किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है वो उसके अलोंग पर्टिकुलर एक्सिस में जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो एंड देन टेक स्क्वायर रूट ऑफ दैट दिस इज वेलोसिटी सिमिलर अप्रोच हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं v की जगह मैं a लिखूंगा u की जगह ax लिखूंगा वी की जग, वी की जगह जगह एवा लिखूंगा और डब्ल्यू की जगह ए जेड लिखूंगा इसी इन दोनों टॉपिक पे बेस्ड बेस्ड ऑन दिस टू एक टॉपिक आता है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्सलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन इस टॉपिक से बच्चे फ्लू मैकेनिक्स में अक्सर डरते हैं जो कि जे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि मैथमेटिक्स इस लेवल पे होता नहीं है सिलेबस में मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो भी डिप्लोमा का कोर्स है पार्शियल डेरिवेटिव या हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं तो थोड़ा बहुत तकलीफें यहाँ पे आती हैं तो हम आपको सिखाएंगे कि एक्सेलरेशन की जो पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशंस बनती हैं वो किस तरह से बनती हैं देन वी विल रीड सम फ्लो फील्ड पैरामीटर्स जैसे वो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन हो गया स्ट्रीम फंक्शन हो गया स्ट्रीम पाथ लाइन स्ट्रीक लाइन आफ्टर दिस वी विल वी विल स्टार्ट कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन और कॉन्टिन्यूटी हमें बनानी है एस एस सी जे के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीपीएससी में तो डेरिवेशन आने वाली नहीं है किसी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में केवल ऑब्जेक्टिव होने वाला है देर आर नो डेरिवेशन खासकर एस एस सी जेई में सिर्फ चार से लेकर पांच डेरिवेशन में आपको कहूंगा उनमें से कॉन्टिन्यूटी एक होगी इसके बाद बॉनोलॉजी क्वेश्चन लॉ देन पास्कल्स लॉ चार डेरिवेशन ही हो गई है पांचवी डेरिवेशन आ जाएगी आपकी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है टोटल मिला के पांच डेरिवेशन आपको करिए यूनिट नंबर सिक्स इज काइनेमेटिक्स वी विल रिलेट द मोशन मोशन ऑफ फ्लुड पार्टिकल्स विद फोर्स जिस फोर्स के कारण फ्लूड मोशन में है हम उस फोर्स को रिलेट कर पाएंगे एक्सेलरेशन से तो इसके लिए हमारे पास एक लॉ है क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ तो एक्सेलरेशन हम पीछे वाली यूनिट में पढ़ चुके हैं तो उस एक्सेलरेशन को एक बहते हुए पानी में एक बहते हुए किस तरह से अप्लाई किया जाए F MA से अप्लाई किया जाएगा

एक पाइप में बताता हूं और उस पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है और देर इज इस, इस तरह से और लिक्विड का फ्लो का डायरेक्शन ये है तो जब इस बैंड पे पानी आके टकराएगा तो देर विल बी अ चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला जाता है

स्पीड जैसे हम एयरप्लेन की स्पीड निकालते हैं एक सबमरीन की स्पीड निकालते हैं पानी में तो वो पीटर ट्यूब की हेल्प से निकाली जाती है इवन ओपन चैनल की भी ओपन चैनल में भी लिक्विड का जो वेलोसिटी होता है पीटर ट्यूब से निकाला जाता है देन विस्कस एंड टर्बुलेंट फ्लो इन टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो हम पढ़ चुके होते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो एंड टू मेजर फ्लूड फ्लो जो कि है विस्कस जिसको हम लेमिनार भी कहते हैं और सेकेंड टाइप इज टर्बुलेंट फ्लो ठीक है जब मिक्सिंग होगी तो टर्बुलेंट जब मिक्सिंग नहीं होगी लेयर बाय लेयर होगा तो उसको हम कहेंगे विस्कस फ्लो तो इसमें हम इक्वेशन फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये है से भी इक्वेशन इक्वेशन आता आता ही है देन वी विल मेक पॉइजली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इक्वेशन जिसमें कि प्रेशर का डिफरेंस द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप निकाला जाता है देन वेरी बिग यूनिट अगेन फ्लो थ्रू पाइप्स इसमें हम डार्सी विजबैक इक्वेशन और चेजिस फॉर्मुले की मदद से मेजर लॉसेस को निकालेंगे एंड देन फॉर माइनर लॉसेस देयर आर ऑलमोस्ट फाइव टू सिक्स टाइप्स ऑफ माइनर लॉसेस उनकी कैलकुलेशन करेंगे देन एनर्जी लाइंस फॉर फ्लोइंग फ्लूड एक बहते हुए लिक्विड में अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं एक बहते हुए लिक्विड में एनर्जी का लॉस होगा और उन एनर्जी के लॉस के कारण किस पॉइंट पे कितना एनर्जी अवेलेबल होगा उस टॉपिक को हम जानते हैं एनर्जी लाइन से देन टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन पाइप देर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन पैरल एंड सीरीज कनेक्शन देन अच्छा इससे एस एस सी मेन्स में एक बार सवाल आ चुका है फिफ्टीन मार्क्स का तो आप देख रहे हैं जिस सिलेबस में आगे बढ़ रहा हूं तो मेन्स का वेटेज बढ़ रहा है और जैसे जैसे मैं यूनिट नंबर अगर यहाँ तक की बात करूं विस्कस फ्लो तक तो जैसे यूपी पी एस सी और स्टेट लेवल की जो भी एग्जाम है हर एक स्टेट का यूनिट नंबर सेवन तक उनका वेटेज ज्यादा है के लिए, से में बढ़ना शुरू हो जाता है Then, theory, एक चैप्टर का होगा हम नोचे के लिए फॉर्मूले बनाएंगे या वियर के लिए बनाएंगे वो जो फॉर्मूला इसके लिए वैलिड होगा वो इसके लिए भी वैलिड होगा माउथ पीसेज ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है जिसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली जाती निकाल सकते हैं

इतना डीपली हमें नहीं पढ़ना है हमें बस यहाँ पे डायमेंशन होमोजेनिटी का प्रिंसिपल और किस तरह से आज से ही छब्बीस जनवरी से स्टार्ट होने वाली है एंड आप इसके लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से ये जोन अकेडमी मोबाइल ऐप फर्दर कोई क्वेरी होगी आपकी तो इन कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं इवन व्हाट्सएप पे भी नंबर्स हैं इफ़ यू वांट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक दिस इज द लिंक टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है एंड इन द एंड थैंक यू वेरी मच बेस्ट ऑफ लक